Hi friends, welcome to my YouTube channel Comet World. Today I am going to start one of the another lecture on the topic microprocessor. But in the topic microprocessor, we deal the specific topic, that is pipeline architecture. बहुत टाइम्स आपने ये सुना होगा कि 8086 जो होता है 8086 microprocessor pipelining को support करता है. Pipelining के कारण ये इसका features है, वो उसका features है. But हम आज तक ये नहीं समझ पा रहे हैं directly कि पाइपलाइनिंग है क्या. अगर इसको बुकिश लैंग्वेज में देखें तो ये काफी ज्यादा बजी और पगी हो जाता है. तो उन सब चीजों को छोड़कर आज हम प्रैक्टिकल वे में समझते हैं कि पाइपलाइनिंग क्या है, ताकि इसे बोलचाल की भाषा में हम किसी को समझा सकें कि पाइपलाइनिंग होता क्या है. बट बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपको माइक्रो प्रोसेसर के सारे पिछले क्लासेस देखकर यहां पर आने होंगे, और वो सारे पिछले क्लासेस आपको मेरे चैनल कॉमेट वर्ल्ड के प्लेलिस्ट माइक्रो प्रोसेसर में मिल जाएंगे, जहां पर आपको बताया जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, कितने टाइप का होता है, कब आया, 8085 क्या है, ब्लॉक डायग्राम, पिन डायग्राम, व्हाटएवर जो भी आप खोजेंगे वहां सारा कुछ मिल जाएगा, ओनली ऑन कॉमेट वर्ल्ड एंड माय प्लेलिस्ट माइक्रो प्रोसेसर. सो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है पाइपलाइन आर्किटेक्चर. पाइपलाइनिंग सबसे पहले समझते हैं ये होता क्या है. सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका एक फीचर्स होता है कि इट सपोर्ट्स पाइपलाइनिंग. अब आज उसी चीज को देखें कि जब वो सपोर्ट करता है पाइपलाइनिंग को तो पाइपलाइनिंग है क्या. ठीक है, सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि कोई भी टास्क होने से पहले या फिर होने के क्रम में ऐसा नहीं होता है कि प्रोसेसर में कोई चीज आया, एग्जीक्यूट किया और निकल गया. वेरियस फेजेस में वो काम हो रहे होते हैं. वो वेरियस फेजेस क्या हैं आप यहां पर देख सकते हैं. वेरियस फेजेस, सबसे पहले कोई भी इंस्ट्रक्शन आता है तो वो माइक्रो प्रोसेसर में फेच होता है. द फर्स्ट फेज इज IF, इंस्ट्रक्शन फेच. After fetching the instruction, it needs to be decoded. That means कि fetch होने के बाद आप जिस language, assembly language, C, C++, जिस language में भी आप, हालांकि microprocessor assembly language को ही सुनता है, तो अगर आप assembly language में कोई program लिख रहे हैं तो machine तो केवल 0 और 1 को समझता है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उस चीज को decode करेगा. और decode करने के phase को second number phase कहते हैं, that is ID, instruction decode. आप इस पूरे board का सबसे पहले snapshot ले लें, क्योंकि ये काफी कलेक्टिव इंफॉर्मेशन है जो कि अलग अलग जगहों से मैंने एक जगह केवल और केवल आप लोगों के लिए किया है. तो सबसे पहले फेज हो गया इंस्ट्रक्शन फेच यूनिट, दैट इज IF. द नेक्स्ट फेज इज इंस्ट्रक्शन डिकोड यूनिट, ID. एंड द थर्ड वन, अब जब डिकोड हो गया तो अलग अलग ऑपरेंट्स होते हैं इसमें, जैसे कि ADD, SUB, MUL. तो ऑपरेंट फेच जब होता है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट पे पहुंच गया, डिकोड होने के बाद ये कहां पहुंचता है, कंट्रोल यूनिट में. मैंने बताया था कंट्रोल यूनिट बताता है पूरे बॉडी को कि कहां पर क्या रिएक्ट करना है. ठीक उसी तरह कंट्रोल यूनिट माइक्रो प्रोसेसर में बताता है कि किस रजिस्टर को कौन सा काम किस ऑपरेंट के तहत करना है. तो ऑपरेंट फेचिंग का काम थर्ड फेज में होता है. फोर्थ फेज में होता है ऑपरेंट एग्जीक्यूशन. जब वो असाइन हो गया तो फिर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा. एंड फाइनली आफ्टर एग्जीक्यूशन द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन द रजिस्टर. तो ये टोटल मिलाकर पांच फेजेस आते हैं. वन ऑफ देम इज IF, दैट इज इंस्ट्रक्शन फेच, ID, इंस्ट्रक्शन डिकोड, OF, ऑपरेंट फेच, OE, ऑपरेंट एग्जीक्यूशन, एंड RS, दैट इज रिजल्ट स्टोर. तो ये पांच फेज मिलाकर कोई भी टास्क कंप्लीट होता है. तो आइए अब समझते हैं पाइपलाइनिंग को. सपोज दैट ऊपर वाला जो है वो नॉन पाइपलाइन आर्किटेक्चर है. यहां पाइपलाइन आर्किटेक्चर हम देख रहे हैं, ये जो है नॉन पाइपलाइन आर्किटेक्चर है और ये जो है पाइपलाइन आर्किटेक्चर, दोनों में डिफरेंस क्या समझिए. अगर 8085 जैसे अगर क्या 8085 पाइपलाइन को सपोर्ट नहीं करता है तो वहां पे क्या होता है. सबसे पहले कोई इंस्ट्रक्शन आया, यहां पे तीन इंस्ट्रक्शन है हमारे पास. कितने इंस्ट्रक्शन है, तीन, तीनों एग्जीक्यूट होने के लिए आ रहे हैं. इंस्ट्रक्शन नंबर वन, ये हो गया इंस्ट्रक्शन नंबर वन, इंस्ट्रक्शन नंबर टू एंड इंस्ट्रक्शन नंबर थ्री. हियर इज आल्सो वन, टू एंड थ्री. नॉन पाइपलाइन आर्किटेक्चर में होता क्या है कि इंस्ट्रक्शन आते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, और जब इंस्ट्रक्शन आते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए तो सबसे पहले वो क्या होते हैं, फेच होते हैं. फेच के बाद क्या होते हैं, डिकोड होते हैं. फिर ऑपरेंड फेच होते हैं और ऑपरेंड एग्जीक्यूट होते हैं और रिजल्ट स्टोर होते हैं.
जब तक कि पहला इंस्ट्रक्शन अपना फेचिंग डिकोड फिर ऑपरेट फेचिंग ऑपरेट एग्जीक्यूशन और रिजल्ट स्टोर नहीं करेगा तब तक सेकंड वाला स्टार्ट नहीं होगा। दैट मींस कि देखिए यहां से ये कंटिन्यू हो रहा है और कहां तक, जब तक रिजल्ट स्टोर नहीं हुआ तब तक। जैसे रिजल्ट स्टोर हुआ पहले वाले का काम फिनिश हो गया तब जाकर सेकंड वाले का काम स्टार्ट होता है और फिर वही फेचिंग डिकोड ऑपरेंड फेचिंग ऑपरेंड एग्जीक्यूशन एंड रिजल्ट स्टोर का काम हो रहा होता है। ये सारे चीज के बाद इसके बाद फिर थर्ड वाला इंस्ट्रक्शन यहां पे फिर ये सेकंड कंप्लीट हो गया तो फिर थर्ड स्टार्ट होता है। अगर टोटल टाइम देखा जाए, टाइम स्पैन देखा जाए इसका, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 दैट मीन्स तीन इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के लिए टोटल टाइम हमको कितने लग रहे हैं, टाइम 15, दैट इज नॉन पाइपलाइन आर्किटेक्चर। ठीक है, और अगर ये समझ गए हैं तो पाइपलाइन आर्किटेक्चर विद इन अ मिनट आपको समझ में आने वाला है। जस्ट सी, यहां पर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आया, सबसे पहले क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन फेचिंग। इसके बाद जैसे डिकोडिंग का काम होगा फिर फेचिंग यूनिट खाली नहीं बैठेगा, फिर क्या करेगा, फेचिंग यूनिट दूसरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट फेच करने के लिए आ जाएगा। यहां पर फेचिंग होने के बाद जब डिकोड हो रहा होता है तो फेचिंग क्या होता है, खाली बैठा रहता है, फेचिंग फेज जो होता है वो खाली बैठ जाता है। फिर जब ऑपरेंड फेच होता है तो इंस्ट्रक्शन डिकोड वाला जो होता है वो खाली बैठ जाता है, यहां पर किसी को खाली नहीं बैठने देना है। पाइपलाइन एग्जीक्यूशन फास्ट करता है कैसे, जब फेचिंग का काम, जैसे फेचिंग का फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का कंप्लीट हुआ वो किस फेज में मूव कर गया, डिकोड में, और जैसे वो डिकोड में मूव कर गया अब वर्क किसका, एम्प्टी हो गया फेचिंग का, तो फेचिंग उस वक्त क्या किया, सेकंड इंस्ट्रक्शन को फेच करने लगा। देखिए यहां फर्स्ट वाला डिकोड हो रहा है, सेकंड वाला फेच हो रहा है। आफ्टर दैट जब वो फेच होने के बाद ऑपरेंड फेड होने के लिए, फेच होने के लिए आया तो कौन खाली बैठ गया, यहां इंस्ट्रक्शन डिकोड, और इंस्ट्रक्शन डिकोड फिर यहां पर सेकंड वाले को खाने लगा, और जब सेकंड वाला इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रहा था तब फिर आई एफ खाली नहीं बैठा, तब आई एफ थर्ड वाले को कर रहा है। That means कि at the same time span, different times that is to be happen in the microprocessor and that feature is known as pipelining। जहां पर एक फेज अपना काम करके दूसरे फेज में जब डेटा दे दे तो पहला फेज फिर खाली नहीं बैठता, पहला फेज फिर अपना वर्क करता है ताकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जल्दी से एग्जीक्यूट कर सके। ये ग्राफ आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर इसका टाइम स्पैन, तीन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में इसने कितना टाइम लिया था, 15, और अगर इसका काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि इसने टोटल कितना टाइम लिया, 7। लुक व्हाट हैपेंड आफ्टर द पाइपलाइन आर्किटेक्चर, हाउ फास्ट द एग्जीक्यूशन शुड बी डन इन द पाइपलाइन आर्किटेक्चर। That means, हम लोगों ने देखा कि जहां नॉन पाइपलाइन आर्किटेक्चर में टाइम 15 हो रहा था किसी तीन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में, वहीं पे पाइपलाइन आर्किटेक्चर में ओनली ऑन 7, यानी हाफ से भी कम समय लिया जा रहा है। दैट इज वाई पाइपलाइन फास्ट करता है एग्जीक्यूशन, और 80 में 85 में पाइपलाइन नहीं सपोर्ट करता इसलिए वो स्लो होता है, 8085 पाइपलाइन सपोर्ट करता है इसलिए वो काफी ज्यादा फास्ट होता है। So I think आपको पाइपलाइन होता क्या है ये काफी इजी लैंग्वेज में समझ में आया होगा। प्लीज आप इस पूरे बोर्ड का स्नैपशॉट ले लें, ये IF, ID, OF, OE, OS क्या है ये सारा चीज मैंने यहां लिख दिया है। इसके बाद आपको पाइपलाइन को कहीं भी रट कर जाने की जरूरत नहीं है, पाइपलाइन का जवाब आप खुद से बोलचाल की भाषा में आप दे सकते हैं, और ये डायग्राम बनाकर अगर आप एग्जाम में लिख देंगे फुल ऑन फुल मार्क्स मिलने वाला है। सो प्लीज पढ़ाई के तरीके को चेंज कीजिए, कंसेप्चुअल स्टडी लाइए, और मेरे YouTube चैनल कॉमेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को देखने से पहले आप कॉमेट वर्ल्ड के माइक्रोप्रोसेसर प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो देखें, और इस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी आपको मुझे अप्रिसिएट करना है या फिर मुझे कमेंट करना है कि इस वीडियो में क्या होना चाहिए था क्या नहीं हुआ और आपको किस चीज का वीडियो चाहिए, सो प्लीज आप इस वीडियो के नीचे जाएं और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें। और अगर आपको मुझे किसी नए टॉपिक में वीडियो चाहिए तो commentworld007@gmail.com पे भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। That is my official email ID. That's it. Thanks a lot.